जिला बलरामपुर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा पडरी डी बी भारती समाचार की टीम द्वारा कवरेज किया गया। ग्राम प्रधान राम हर्ष से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम जनता के सेवक हैं और जनता ने हमें चुना है। इसके लिए जो भी हमारे लायक है या सरकार द्वारा ग्राम निधि में जो भी योजनाएं आती हैं उसका लाभ हम इन्हें दिलाते रहेंगे और उनकी सेवा करते रहेंगे। और उन्होंने बताया कि नाली रोड निर्माण भी हमने करवाया है और गांव की जनता ने कहा हमारे गांव को प्रधान जी ने स्वच्छ स्वस्थ बनाने का प्रयास करते रहते हैं। टीवी भारती समाचार चैनल से बोल रहे हैं, हम ग्राम सभा पंडरी में हैं जो कि बलरामपुर अंतर्गत आता है, बलरामपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। प्रधान जी से, ग्राम प्रधान जी भी हमारे सामने हैं। ग्राम प्रधान जी से कुछ चंद सवाल हैं। ये कार्यालय के सामने सामुदायिक शौचालय के पास खड़े हैं। प्रधान जी ये बताइए सर, ये कार्यालय बंद क्यों है? बंद है, टाइम नहीं है। चार शाम को 4 बजे से 8 बजे तक और सुबह 5 बजे से 10 बजे तक अच्छा, इसका टाइम है। बराबर आते हैं? खुलता जी है? जी बराबर आते हैं, बराबर यूज होता है। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो प्रधान जी ये बताइए, अब तक आपने ग्राम सभा के लिए, ये आपकी पहली प्रधानी है जी, क्या क्या विकास किए हैं कुछ बताएंगे? हमने चक्रो गांव का इंटरलॉकिंग कराया, अंडरग्राउंड पाइप लाइन बनवाया, नाली निर्माण जी जी इतना काम आपने करवाया जी। और सीसी? सीसी अभी नहीं, सीसी हमारे में है नहीं, हम देते अच्छा। नहीं क्योंकि कच्चा है वो। अच्छा, सीसी आपने नहीं बनवाया? नहीं बनवाया है। इंटरलॉकिंग कितने मीटर करवाया होंगे? इंटरलॉकिंग मेरा है 257 मीटर। 257 मीटर आपने इंटरलॉकिंग करवाया जी। ये बताइए नल आपके कितने रिबोर हुए होंगे? नल हमारा रिबोर है 1-8 नल। 8 नल रिबोर करवाए हैं जी, जो कि जल प्याऊ की व्यवस्था बिल्कुल फिट है। हाँ फिट है, कोई दिक्कत नहीं है ग्रामवासियों को? नहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।